नमस्कार मित्रों, झारखंड सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब जो भी स्वागत समारोह हो उसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इन सब से कहने से पहले आपको जोहार शब्द कहना होगा। मतलब जोहार शब्द कह के आपको अभिवादन करना होगा। आप देख सकते हैं झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। अजय कुमार सिंह जो सरकार के प्रधान सचिव है उनके द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष, सभी उपायुक्त झारखंड को ये नोटिस भेज दिया गया है। विषय रखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं सरकारी समारोहों में अभिवादन हेतु जोहार शब्द प्रयोग किए जाने के संबंध में, और ये 30 जनवरी 2023 का लेटर है। इसमें कहा गया, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड की पहचान एक जनजातीय बाहुल राज्य के रूप में है। झारखंड राज्य की संस्कृति में जोहार बोलकर अभिवादन किए जाने की परंपरा है, जो इस राज्य की विशिष्ट संस्कृति एवं समृद्ध परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं सरकारी समारोह में अभिवादन हेतु जोहार शब्द उपयोग किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के राजकीय कार्यक्रमों, सरकारी समारोहों में गणमान्य अतिथियों के स्वागत के लिए पुष्प गुच्छ, अकेला पुष्प का उपयोग नहीं किया जाए। मतलब एक बुके देके जो हम लोग स्वागत करते हैं वो नहीं करना है, उसके साथ आपको पौधा, पुस्तक, शॉल, मेमेंटो देकर स्वागत किया जा सकता है। इस संबंध में पूर्व निर्गत पत्रांक 946 दिनांक 25/7/2019 को इस हद तक संशोधित किया जाता है। मतलब ये पूर्व में ही यह पत्र निकला था जिसको संशोधन किया गया। अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए उपयुक्त निर्णयों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं यही लेटर निकला हुआ है। यहाँ जोहार का अर्थ क्या होता है इसको हम लोग अब जान लेते हैं। जोहार का अर्थ क्या होता है? तो जोहार का मतलब होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, अर्थात प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही जोहार है। तो आदिवासियों का उद्योधन शब्द क्या है? आदिवासी लोग मतलब जोहार कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? तो आदिवासी समुदाय प्रकृति को धर्मेश, सिंहबोंगा, मरांग, गुरु आदि कई नामों से पूजा करते। पूजा विधि विधान में उस प्रकृति की सृजनहार अनंत शक्ति को अपनी भावना, विश्वास, श्रद्धा, मान्यता के अनुसार धन्यवाद देने के लिए जोहार शब्द का उद्योधन करते हैं। आदिवासी परंपरा के अनुसार प्रकृति के आदर सत्कार के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। आदिवासी समुदाय नया साल मनाते समय जोहार शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर है वन संपदा, जैसे जंगल, जंगल में पत्तियां, घास, पेड़ काटना अपने उपभोग करते समय जोहार बोलते हैं। फिर है मानव के शरीर 5 तत्वों से बना होता है, इसलिए मरने के बाद इंसान पंच तंत्र में विलीन होता है। भारत में दक्षिणी राजस्थान के भील आदिवासी गार में 12वें के दिन सब सगा संबंधी गांव वाले पाल के संगी साथी मिलजुल कर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके लाइन में लग कर चावल हाथ में लेकर एक साथ जोहार बोलकर मरे हुए मानव को अंतिम विदाई देते हैं, यानी प्रकृति को समर्पित करते हैं और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि इस इंसान को अपने में समाहित कर ले, क्योंकि यह जीव आपका ही अंश था। उसके बाद वह पूजनीय योग हो जाता है जिससे प्रेरणा ली जा सके। ध्यान रहे, भीली बोली भाषा में मुंडारी भाषा के शब्द है जिसमें एक शब्द जोहार है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।